हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं साबुदाने का बहुत ही ज्यादा चटपटा कुरकुरा और करार नाश्ता, जिसे हम बनाएंगे बिना साबुदाने को भिगोए। कई बार ऐसा मन करता है कुछ साबुदाने का खाया जाए, लेकिन हम लोग साबुदाना भिगाना भूल जाते हैं, तो सोचते हैं अब क्या बनाए। लेकिन आज की रेसिपी में साबुदाने को भिगोने का बिल्कुल भी झंझट नहीं है। आप कच्चे साबुदाने से बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और करार नाश्ता बना पाएंगे, वो भी बिना किसी तामझाम के, और इसे आप पूरे महीने स्टोर कर पाएंगे अगर आप मेरी टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम बहुत ही आसान रेसिपी लेके आते हैं, वो भी किचन में मौजूद चीजों से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए हैं गैस की तरफ। एक पैन रखा है, कोई भी बर्तन लीजिए, थोड़ा सा भारी होना चाहिए। और यहाँ पे साबुदाना मैंने कितना लिया है वो बताना भूल गए थे। तो साबुदाना मैंने वेट में मुश्किल से 50 ग्राम लिया है। नाप में बताऊं तो एक बड़ी कटोरी है, आप कप से मेजरमेंट कर सकते हैं। अब ना हम इसमें घी डालेंगे, ना बटर डालेंगे, कुछ भी नहीं डालेंगे। हम इसमें अपना साबुदाना डाल देंगे और इसको हम लोग ड्राई रोस्ट करेंगे। और इसको इतना भूनना है कि हल्का सा फूल जाए। यहाँ पे हमें इसको जलाना बिल्कुल भी नहीं है, तो धीमी धीमी आंच पर हम इसको 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। तो फ्रेंड देखिए, 1 से 2 मिनट हो चुका है, साबुदाने हमारे बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। ये देखिए, इसकी खन खन से ही बता रहा है कि साबुदाना कितना अच्छे से भुन गया है। मैंने इसको काला बिल्कुल भी नहीं किया है, आपको भी काला नहीं करना है। अब इसको एक प्लेट में निकाल कर ठंडा करेंगे, तो चलिए इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, इस तरह से प्लेट में निकाल के मैंने इसको रख दिया है। जब तक ये ठंडा हो रहा है हम दूसरा काम कर लेते हैं, इसको साइड में रख देते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने लिया है उबला हुआ आलू, जिसको मैंने उबाल कर फ्रिज में लगा दिया था ताकि ये ठंडा हो जाए। 1 घंटे तक लगाने के बाद आपका आलू अच्छे से टाइट हो जाएगा। अगर आपके पास फ्रिज ना हो तो आप इसे किसी ठंडी जगह पे रख लीजिए, जो आपका कमरा ठंडा हो वहां पे आप इसे 2 घंटे रख देना। बिना फ्रिज के इसे 2 घंटे लगेगा, फ्रिज में अगर आप रखेंगे तो 1 घंटा लगेगा। वेट में हमारा आलू 50 ग्राम है, और नाप में बताऊं तो 2 आलू है और मीडियम साइज के आलू है। अगर आपका बहुत बड़ा आलू है तो आप लोग 1 ले लेना। अब इसको हम ये जो पतला वाला ग्रेटर होता है इससे ग्रेट करेंगे, और ग्रेट ही करना है हमें। कद्दूकस करने से क्या होगा, इसके जो लच्छे मिलेंगे वो बिल्कुल लम्स फ्री मिलेंगे और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा और नाश्ते का बहुत प्यारा सा लुक आएगा। तो चलिए फटाफट अपने आलू को हम इस तरीके से ग्रेट कर लेते हैं, फिर आपसे दिखाते हैं। तो फ्रेंड देखिए, इस तरह से मैंने आलू के लच्छे कर लिए हैं बिल्कुल बारीक वाले ग्रेटर से। अगर आपका मोटा वाला ग्रेटर है तो उससे मत ग्रेट करना, बारीक वाले से करना, नहीं तो मिक्सी जार में डालकर एक बार इसको ग्राइंड कर लेना। तो अब हम क्या करेंगे आपको दिखाते हैं। एक बड़े साइज का बर्तन लेंगे, उसके अंदर हम इसको फटाफट ट्रांसफर करेंगे जो हमने आलू को ग्रेट करके लिया है। ये देखिए, आप चाहे तो इसकी जगह पे कच्चे आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास उबला हुआ आलू ना हो तो आप कच्चे आलू को इस्तेमाल कर लीजिएगा। इसी तरीके से पतले वाले ग्रेटर से ग्रेट करके अब इसमें हम 1/2 टीस्पून तक डालेंगे टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, 1/2 टीस्पून तक हम डालेंगे नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना जितना नमक आप खाते हो, 1 बड़ा चम्मच भरकर डालेंगे चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई भी डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून तक साबुत जीरा डालेंगे, और 1/2 टीस्पून तक हम इसमें डालेंगे अजवाइन, जिसको हम इस तरह से हाथ में लेकर मसल कर डालेंगे। अजवाइन डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसमें हम 2 चुटकी डालेंगे हींग। हींग आपके नाश्ते को पचाने के साथ साथ आपके पेट को ठंडा रखती है। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी कलौंजी, जिसको प्याज के बीज भी बोला जाता है और कई जगह पे मगरैल भी बोला जाता है। इसको डालने से नाश्ते का लुक भी प्यारा आता है और टेस्ट भी अच्छा आता है, और पेट के लिए काफी फायदेमंद होता है। ये आपकी आंतों को आराम देता है, जो छोटी आंत होती है बड़ी आंत, उसमें काफी रिलीफ मिलता है। अगर आपको पेन रहता है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी रेगुलर डाइट में। और अब इसमें हम डालेंगे व्हाइट तिल यानी सफेद वाले जो तिल होते हैं वो। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसके बिना भी बना सकते हैं, इसको हटा देना। अब मैंने 10 से 15 कड़ी पत्ते लिए हैं जो फ्रेश वाले हैं, और इसको मैंने इस तरह से कट करके डाला है। आप चाहे तो यहाँ पे पुदीना डाल सकते हैं या हरा धनिया भी डाल सकते हैं अगर आपके पास कड़ी लीव्स यानी कड़ी के पत्ते ना हो। इसको नीम की यानी मीठी नीम भी बोला जाता है कई जगह, अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। 1 चम्मच हम डालेंगे रेड चिली पाउडर, ये आपका अगर बहुत ज्यादा तीखा हो वाला हो तो आप इसमें 1/2 टीस्पून डालना। मैंने काश्मीरी वाला डाला है, ये बहुत ज्यादा तीखा नहीं होता, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। और अब इसमें हम डालेंगे 2 हरी मिर्च जो हमने इस तरह से कट कर लिए। आप चाहे तो इसे प्याज भी डाल सकते हैं, अगर आप प्याज नहीं खाते तो आप इसको हटा सकते हैं। तो मैं प्याज नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैं इसे स्टोर करने की नीयत से बना रही हूँ। अगर आप इसमें प्याज डालेंगे तो आप इसे 1 से 2 दिन में ही खत्म कर लीजिए, आप इसे स्टोर नहीं कर पाएंगे। अब 1 चुटकी हम इसमें गर्म मसाला डालेंगे, ज्यादा गर्म मसाला नहीं डालेंगे, सिर्फ 1 चुटकी डालेंगे, काफी है। अब सारे मसाले को हम आलू के अंदर अच्छे से मिला लेंगे इस तरह से, ताकि सारी चीजें अच्छे से आलू के अंदर समा जाए। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से मिलाने के बाद अब इसको हम साइड में रख देंगे, और अब अपने हम साबुदाने को चेक करेंगे। तो देखिए, साबुदाना हमारा बिल्कुल अच्छे से कूल हो चुका है, ठंडा हो चुका है। अब इसका हम इस्तेमाल करेंगे, कैसे आपको बताते हैं।
तो फ्रेंड एक मिक्सी का जार ले लेंगे, छोटा वाला, आप बड़ा वाला मत लेना, उसमें आपको इसे पीसने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पे हम इसको ट्रांसफर कर देंगे। मक्खियों ने काफी ज्यादा परेशान कर रखा है। अगर आपको मक्खी भगाने का कोई तरीका पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यहाँ पे बारिश हो गई है 2 से 3 दिन, तो यहाँ पे मक्खियां काफी ज्यादा आ गई है। तो यहाँ पे देखिये मैंने ट्रांसफर कर दिया है, अब बिना पानी डाले हम इसको अच्छे से पीस लेंगे। तो चलिए पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से मैंने इसको पीस लिया है, और ये हल्का सा दरदरा होता है जैसे सूजी होती है, उसी तरीके से आपको इसे बहुत ज्यादा बारीक करने की जरूरत नहीं, हल्का सा दरदरा रखना, इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। अब हम इसको फटाफट इसके अंदर ऐड करेंगे सारा का सारा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने डाल दिया है, जो लगा हुआ है उसको भी हम निकाल देंगे। और अब इसमें हम क्या डालेंगे आपको बताते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच तेल, जो हल्का सा गर्म होना चाहिए। आप तेल की जगह पे घी और बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सारी चीजों को हम बढ़िया तरीके से मिला लेंगे। अगर आपको जरूरत महसूस हो तो आप इसमें पानी डालना, अगर आपको जरूरत ना महसूस हो तो आप मत डालना। तो फ्रेंड देखिए मुझे लग रहा है थोड़ा सा 1 चम्मच पानी डालने की जरूरत पड़ेगी, तो 1 चम्मच हमने पानी डाल दिया है और इस तरीके से ये हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम कवर करके 5 मिनट का टाइम देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तब तक चलते हैं हम इसके साथ बहुत ही अमेजिंग सी एक चटनी बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है टमाटर, जो हमारा लाल टमाटर है जिसके मैंने बीज नहीं निकाले हैं, 2 टमाटर थे बड़े बड़े। अगर आपका छोटा टमाटर है तो आप 3 टमाटर ले लेना, और यहाँ पे आपको लाल टमाटर ही लेना है और इसका जूस और बीज नहीं निकालने, इसको हल्का सा मोटा मोटा कट कर लेना है, बहुत ज्यादा बारीक नहीं कट करना है। तो चलते हैं गैस की तरफ, फटाफट बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ, एक पैन लिया है, आप जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी होना चाहिए। अब इसमें हमने 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है, बड़ा चम्मच, अगर आपका छोटा चम्मच है आपको 2 चम्मच लग जाएगा। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे जीरा 1 चम्मच, और व्हाइट वाली जो तिल होती है ये हम डालेंगे 1/2 टीस्पून, और गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखेंगे, और 1 बड़ा चम्मच हम डालेंगे सौंफ जो मोटी वाली होती है। अब सभी चीजों को हम धीमी धीमी आंच पर अच्छे से चटका लेंगे। तो यहाँ पे हमें जलाना नहीं है, इसको धीमा धीमा पकाना है, और जब ये चीजें सारी चटक जाएगी हम अपना टमाटर डाल देंगे, और इन सबको हम अच्छे से भूनेंगे 1 से 2 मिनट तक, ताकि टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो जाए। और गैस का फ्लेम मीडियम रखना है, जो बर्तन लीजिएगा थोड़ा सा भारी लीजिएगा। तो फ्रेंड देखिए धीमी धीमी आंच पर हमारे टमाटर 1 मिनट तक कुक हो चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे 3 कलियां लहसुन की, अगर आप लहसुन नहीं खाते तो आप इसको हटा सकते हैं, और लहसुन डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसमें हम 2 ग्रीन चिली डालेंगे, अगर आप लोग ज्यादा तीखा नहीं खाते तो आप एक ही डाल सकते हैं। और सारी चीजों को हम अच्छे से वापस से भूनेंगे 10 से 15 सेकेंड। अब इसमें हम डालेंगे 3 इंच का अदरक, जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके और छिलके को निकाल लिया है। अब इसमें हम 1 चम्मच मूंगफली डालेंगे, और मूंगफली को भी हम धीमी धीमी आंच पर अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे अब हम इसमें ऐड करेंगे भूनने के बाद नमक, तो अभी तक हमने नमक नहीं डाला था, अब हम इसके अंदर नमक डालेंगे। तो ये गया हमारा 1/2 टीस्पून तक नमक, और 1 चुटकी हम इसके अंदर हल्दी डालेंगे सिर्फ। तो फ्रेंड अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा 2 चुटकी तक हींग। तो अब हम सारी चीजों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे, और यहाँ पे हमें टमाटर को हल्का सा सॉफ्ट होने तक पकाना है और गैस का फ्लेम लो रखना है। तो धीमी धीमी आंच पर हम वापस से टमाटर को अच्छे से कुक होने तक पकाएंगे। और अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच भरकर चाट मसाला, अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप लोग ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई डाल लेना। अब इसमें हम डालेंगे शुगर यानी चीनी, कुछ जगह इसे शक्कर भी बोला जाता है, और वो हमें ज्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 1 टेबलस्पून तक डालना है, जो सारे फ्लेवर को बैलेंस कर देगी। तो ये गई हमारी 1 टेबलस्पून तक शुगर यानी चीनी। अगर आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम हो तो आप इसकी जगह पे शुगर फ्री वाली जो शुगर आती है वो भी डाल सकते हैं, और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। तो सारी चीजें हमारी अच्छे से पक गई है, ये देखिए टमाटर हमारे सॉफ्ट होना शुरू हो चुके हैं, और हरी मिर्च और प्याज तो हमने डाली नहीं, आप चाहे तो प्याज भी डाल सकते हैं इसके अंदर। और सारी चीजें हमारी बढ़िया तरीके से भुन गई है, अब गैस के फ्लेम को बंद करके इसे हम ठंडा कर लेंगे। तो चलिए ठंडा कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है, जब तक ठंडा ना हो आपको नहीं इस्तेमाल करना है। अब हम एक छोटा वाला मिक्सी का जार लेंगे, उसके अंदर हम इसको फटाफट ट्रांसफर करेंगे। तो चलिए ट्रांसफर कर लेते हैं, और यहाँ पे इसको हमें बहुत ज्यादा ठंडा नहीं करना, हल्का सा ठंडा होना चाहिए, और ऑयल के साथ ही इसको हम पीसेंगे। अब इसमें हम हरा धनिया डालेंगे, जो डंठल के साथ डालेंगे, डंठल को नहीं निकालना, इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, आप चाहे तो पुदीना भी डाल सकते हैं। और अब इसमें हम 1/2 नींबू का रस डालेंगे, जो इस तरह से निचोड़ लेंगे, अगर आपके पास नींबू का रस ना हो तो आप इसकी जगह पे व्हाइट विनेगर भी डाल सकते हैं। और अब इसको हम बढ़िया तरीके से कवर कर देंगे, बिना पानी डाले हम इसकी एक चटनी रेडी करेंगे। तो चलिए रेडी करके लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए बिना पानी डाले मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है, और टमाटर में पानी होता है उसी वजह से ये पीस किया है। अब इसको हम फटाफट ट्रांसफर कर लेंगे, और ये हमारी चटनी ऐसे रेडी हो चुकी है, इसका कलर देख लीजिए। आप चाहे तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन मैं इसको तड़का लगा के और ज्यादा
स्पेशल बनाऊंगी और बढ़िया सा लुक दूंगी। तो चलिए फटाफट तड़का लगाते हैं। तो फ्रेंड एक बड़ा टेबल स्पून हमने ऑयल लिया है, अब इसको अच्छे से गर्म करके लेके आएंगे, फिर तड़का लगाएंगे। तो फ्रेंड तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मच तक इस तरह से राई जो होती है सरसों के दाने, और इसमें इस तरीके से चटकने लगती है तो इसको हम थोड़ा सा पीछे रखेंगे। ये देखिए बहुत ज्यादा बुरी तरीके से चटकती है। अब इसमें हम कड़ी पत्ता डाल देंगे, कड़ी पत्ता को भी हम चटकने देंगे। तो यहाँ पे देखिए सारी चीजें अच्छे से चटक गई हैं, ये देखिए। अब इसको हम लगाएंगे तड़का। तो फ्रेंड अब गर्मा गर्म तड़का लगा देंगे, और तड़का जब आप लगाएं तो इस तरह से छन्न से आवाज आनी चाहिए। जब आपकी छन्न से आवाज आती है तभी आपका तड़का सक्सेसफुल होता है। और तड़का लगाने के बाद इसका फाइनल लुक इतना प्यारा आया है। आप इस चटनी को 10 से 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं बिना किसी फ्रिज के या फिर बिना किसी तामझाम के। तो इस तरह से आप मिला दीजिए तड़के को, और चटनी रेडी हो चुकी है। अब इसको हम साइड में रख देंगे। और तो फ्रेंड चलिए चटनी को हम साइड में रख देते हैं और इसको चेक करते हैं। 5 मिनट हो चुका है, तो देखिए बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे आपको बताते हैं। इस तरह से एक ट्रे ले लेंगे, इसके ऊपर हम 2 से 3 बूंद ऑयल डालेंगे। आप चाहे तो घी और बटर भी डाल सकते हैं, और इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तो यहाँ पे आप घी और बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप ऑयल नहीं लगाना चाहते, लेकिन इसको ग्रीस जरूर करना। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से आपको ग्रीस करना है ताकि इसे जब हम निकाले तो निकालने में कोई दिक्कत ना हो। अब अपने तैयार मिश्रण को हम पूरा का पूरा लेंगे और इसके ऊपर सेट करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से सेट करने से आप इसे कम टाइम में बहुत ही प्यारा शेप भी दे पाएंगे, और आपकी टाइम की बचत होगी और नाश्ते का लुक बहुत प्यारा आएगा। तो इस तरीके से फिंगर की मदद से आप इसको सेट कर लीजिए, क्योंकि ये गर्म नहीं है तो आप इसे बराबर सेट कर पाएंगे। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से मैंने इसको अच्छे से बराबर से सेट कर दिया है। आप भी इसे बिल्कुल बढ़िया तरीके से बराबर में सेट कर लीजिए। अब नाइफ पे हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, ये काम आपको जरूर करना है, और आप इसकी हम कटिंग करेंगे। तो आप इसे किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। मैं कैसे कट कर रही हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से बीच से डिवाइड करने के बाद इस तरह से डिवाइड करेंगे, और फिर इसके बाद इसको एक प्यारा सा लुक देंगे। तो आप इसे गोल टिक्की के शेप में बना सकते हैं, तो मैं इसे सैंडविच के शेप में बना रही हूँ इस तरह से। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से डिवाइड करते जाएंगे, बहुत ही प्यारा लुक आएगा इससे, ये देखिए। अब इसको हम इसी तरीके से छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट ताकि ये सेट हो जाए, फिर इसके बाद हम इसे निकालेंगे। तो फ्रेंड 2 से 3 मिनट हो चुका है, आइए अब इसको हम निकाल के दिखाते हैं। अगर आपने अच्छे से ऑयल लगाया होगा तो निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए बिल्कुल परफेक्ट लुक आया है, कहीं से भी शेप बिगड़ा नहीं है क्योंकि हमने ऑयल लगाया था। तो चलिए सारे निकाल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड इतने मैंने निकाल लिया है, बाकी मैंने फ्रिज में लगा दिया है। जब मेरा मन होगा मैं निकाल के बना लूंगी। आप भी इस तरीके से बना के फ्रिज में रख सकते हैं, जब आपका मन हो आप निकाल कर इसे तुरंत बना सकते हैं। तो चलते गैस की तरफ, इतना बहुत है नाश्ते के लिए मेरे। तो आपको बताते हैं कम तेल में इसे क्रिस्पी और कुरकुरा बनाने की बहुत ही आसान टिप। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ, एक पैन लिया है, इसमें हमने तेल रखा है। मैं इसे स्लो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। जो भी पैन लीजिएगा थोड़ा सा भारी लीजिएगा, और तेल को हाई फ्लेम पर गर्म करना है। जब आपका तेल गर्म हो जाए तो इस तरीके से अपने तैयार नाश्ते को हम इसके अंदर लगा देंगे, और गैस का फ्लेम लो रखेंगे। तो फ्रेंड इस तरह से मैंने डाल दिया है, 2 मिनट तक पकने देंगे धीमी धीमी आंच में, फिर इसके बाद टर्न करेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है, जो हमने पहले डाले थे उसको हम फटाफट टर्न कर देंगे, और जो बाद में डाले थे उसको हम थोड़ा लेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो जो मैंने पहले डाले थे उसको मैं इस तरह से टर्न कर दे रही हूँ, और कितना मजे का ये बन रहा है। तो यहाँ पे आप इसे थोड़ा सा डार्क भी रख सकते हैं, लाइट भी रख सकते हैं। तो ये वाले 2 डार्क हो गए हैं, आपको थोड़ा सा लाइट ही रखना है ताकि बच्चों को ये थोड़े से प्यारे लगे। अगर आप इसे स्टोर करने की नीयत से बना रहे हैं तो थोड़ा सा डार्क करके ही स्टोर करना, ताकि ये अच्छे से कुक हो, तभी आपको इसे मजा आएगा। तो अब चलिए दूसरे साइड से पका लेते हैं 2 मिनट, फिर आपसे मिलते हैं डियर। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है, जो हमने पहले डाले थे उसको हम फटाफट निकाल लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लाल हो जाएंगे और हमें बहुत ज्यादा काला नहीं करना है। ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन ज्यादा हो गया है, कोई बात नहीं है। ये देखिए इस तरह से आप बना लीजिए, तो स्टोर कर लीजिए। अगर आपको तुरंत के तुरंत खा ले तो हल्का सा लाइट भी निकाल सकते हैं। तो इसको हम थोड़ी देर और पकाएंगे 10 सेकेंड, ताकि अच्छे से और कुरकुरा हो जाए, तभी खाने में मजा आएगा। तो फ्रेंड ये भी डन हो चुके हैं, देखिए कितना प्यारा कलर आ चुका है। तो चलिए फटाफट इसको निकालकर सर्व करके आपको दिखाते हैं, नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी डियर, और आप लोग बोलेंगे कि आपने वीडियो काफी लंबी बना दी। तो इस तरीके से थोड़ा सा रखेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाए। अब चलते हैं इसको सर्व करते हैं। तो फ्रेंड लीजिए, बनकर रेडी हो चुका है हमारा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल लुक कितना ज्यादा प्यारा आया है, और चटनी इतनी ज्यादा टेस्टी है कि आप एक बार बनाएंगे तो बार बार चटनी बनाने का मन करेगा। और ये देखिए नाश्ता का फाइनल लुक ऊपर से ज्यादा क्रिस्पी है, बहुत ज्यादा क्रिस्पी है, और अंदर से काफी ज्यादा सॉफ्ट है, और सारे ही क्रिस्पी बने हैं, ये देख लीजिए। तो आप चाहे तो थोड़ा सा डार्क भी कर सकते हैं, तो ये वाला थोड़ा सा डार्क हो चुका था, इसे स्टोर करेंगे तो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। अगर आप लाइट करेंगे तो हल्का सा ये 2 से 3 दिन में खराब हो सकता है। तो ये नहीं कि अंदर
अंदर से बहुत ज्यादा हार्ड है, अंदर से भी बिल्कुल सॉफ्ट और फ्लफी है। तो कैसी लगी आपको ये अमेजिंग सी रेसिपी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले, और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। आप चाहे तो इसे केचप के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे एंजॉय करती हूँ। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल डियर।